तो गाइस देखिए यहाँ पर केट सिक्स को भी लेके आना है जो हमारा लाइन केबल है इंटरनेट का। तो ये देखिए ये अपने को इंटरनेट टीवी पे चाहिए डायरेक्ट, और ये केट सिक्स भी बोला जाता है इसको। देखिए यहाँ पर हम लोग दो वायर बना लिए, यहाँ पर अपने पास रेड कलर का वायर था तो इसको माइनस प्लस बनाए, ठीक है। और आपको बताते हैं तो गाइस ये हमारा टीवी यूनिट है, और यहाँ पर लाइट किस तरीके से लगाया गया आज के टॉपिक में आपको फुल वीडियो में समझाएंगे, और वायरिंग कैसे डालना है, कौन सा लाइट लगाना है और कौन सा जगह पे कौन सा बोर्ड लगाना है आज के वीडियो में पूरा पता चल जाएगा। अभी हम लोग वायरिंग करने वाले हैं इसका, और अब तो चलो अब जाते हैं फेज बैक में, हम लोग इसका पीछे जाते हैं वीडियो के और देखते हैं कैसा तरीके से इसका वायरिंग निकालना है टीवी यूनिट का। हाय गाइस, कमलेश इलेक्ट्रिशियन में आपका स्वागत है। आज की टॉपिक में दोस्तों आपको बताएंगे टीवी यूनिट में किस तरीके से वायरिंग डाला जाता है, और बहुत सारा कमेंट आ रहा था मेरे को फर्नीचर और टीवी यूनिट में वायरिंग कैसे करते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में आपको पूरा डिटेल बताएंगे कहाँ से वायर कहाँ तक पहुँचाना है और किस तरीके से वायर डालेंगे तो हमारा 100% काम आएगा। कोई सा भी लाइट लगाए, रोप लाइट लगाए, प्रोफाइल लाइट लगाए, स्ट्रिप लगाई, कोई सा भी लाइट लगाएंगे तो वहाँ पर काम आएगा एक वायरिंग से। तो गाइस आपको बताते हैं, आप चलो लेके चलते हैं हमारे टीवी यूनिट की तरफ। तो वीडियो में न्यू आए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस भी कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे हमारा नया नया वीडियो हम लोग डालेंगे। तो गाइस लेके चलते हैं हमारा टीवी यूनिट की तरह। तो गाइस देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पर टीवी यूनिट बनने वाला है, और यहाँ पर लिखा हुआ है देख सकते हो ओपन रोड रहेगा। यहाँ पर हम लोग सेटअप बॉक्स लाएंगे, ये हमारा टीवी का एरिया रहेगा, ठीक है। और ये साइड साइड में लाइट पॉइंट डालना है। तो चलो आपको दिखाते हैं फर्नीचर पे कैसा करना है। इस तरीके से डिजाइन बनाया गया, ये इंटीरियर प्लान किया गया है, ठीक है। और ये देखिए ये पूजा बरेडिया नाम है इनका जो इंटीनियर किए हैं। तो चलो आपको दिखाते हैं इसको कैसे करना है वायरिंग। तो गाइज़ देखिए यहाँ पर हमारा टीवी यूनिट बन रहा है, ये हॉल है लिविंग रूम के पास। और ये देखिए यहाँ पर हमारा जो पॉइंट बन रहा है, यहाँ पर अपने को पॉइंट लगाना है, ठीक है। एक पॉइंट इधर देना है, और आपको बताते हैं उधर एक पॉइंट रखना है, राइट और लेफ्ट में जो डिजाइन बना था वहाँ पर देना है, और एक पॉइंट यहाँ पर रखना है। तो सामने वाले का रिक्वायरमेंट था यहाँ पर अपने को लाइट चाहिए, तो यहाँ पर टाइल लगने वाला है, टाइल के ऊपर इफेक्ट आएगा, तो यहाँ पर अपने को लाइट लगाना है। तो कौन सा लाइट लगाना है अभी तक प्लानिंग किए नहीं है, तो हम क्या किए यहाँ पर आपको बता देते हैं। अपने को रोप लाइट लगाएं चाहे यहाँ पर प्रोफाइल लाइट लगाएं, तो पहले क्या करना है अपने को दो वायर लेके आना है। देखिए माइनस प्लस दो वायर लिए, माइनस प्लस लेके आए अपन, और ये देखिए यहाँ पर हमारा स्विच बोर्ड रह रहा है, ठीक है। हमारे पास टीवी यूनिट में अपने को चाहिए तीन स्विच बोर्ड, ठीक है। एक पहले हमारा स्विच बोर्ड से ऑन ऑफ होगा, और दूसरा आपको बता देते हैं यहाँ पर HDMI केबल और हमारा टीवी के वायर जो है पॉइंट लगेगा पावर प्लग, तो उससे अपने को कोई सा भी वायर जो है सेटअप बॉक्स के अंदर नहीं दिखने वाले, ठीक है। तो सेटअप बॉक्स जो हमारा नीचे रहेगा, ये ओपन रोल रहेगा, ये कटिंग होगा, उसके नीचे अपने को सेटअप बॉक्स रखना है, ठीक है। सेटअप बॉक्स रखेंगे, और उसके बाद आपको बता देते हैं यहाँ पर हम लोग केबल जो लेके आए हैं, कितने केबल लाना है अपने टीवी यूनिट में। यहाँ पर देखिए लाइन केबल है एक, और ये डिक्स का, तो हम लोग ये सेटअप बॉक्स का डिक्स वायर है वो नीचे की ओर जाएगा, और ये लाइन केबल जो है यहाँ पर निकलेगा, ठीक है। तो इसको वायरिंग अभी करना है डिटेल, तो आपको पॉइंट पहले आपको समझा देते हैं यहाँ का लाइट पॉइंट लोग को कैसे लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए स्पीकर का वायर और मेन लाइन और लाइन केबल और डिक्स वायर और ये पॉइंट का, तो सब स्विच जो है यहाँ पर रहेगा। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए ये 1 mm का वायर है, तो यहाँ पर हम लोग पाइप लाइन यहाँ पर पहले यहाँ प्लानिंग किए गया था, तो ये जो प्लाई के अंदर से जगह नहीं है, ठीक है। तो हमारा पाइप लाइन आ रहा है दो ऊपर से, तो उसको फाड़ दिए, वहाँ से हम लोग पॉइंट किए। तो यहाँ पर यहाँ से तो पोला है, यहाँ पर अपना जगह जो है पैक है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ से हमारा पाइप फाड़ के ये पॉइंट लेके आए, और ये जो है यहाँ पर हम लोग बोर्ड लगा के छोड़ते हैं, ठीक है। बोर्ड लगाने का कारण ये है, तो कभी प्रॉब्लम रहता है यहाँ से हमारा जो पॉइंट बाहर आ जाता है, और बेंड लगा के छोड़ते तो भी आ जाता है, फिर हम लोग बोर्ड ज़्यादा पहले से हम लोग प्लानिंग किए थे, यहाँ पर बोर्ड लग गया था, ठीक है। तो फर्नीचर जो है बाद में बन रहा है, तो ये जो है बाद में पॉइंट डाला जा रहा है। तो ये देखिए पहले उधर का दो वायर लेना है और डायरेक्ट लेके आना है, कहीं भी ज्वाइंट नहीं करना है। उसके बाद देखिए यहाँ का दो वायर लेके आना है 1.5 mm का, और उसको भी लेके आना है डायरेक्ट बोर्ड पर, और उसके बाद वहाँ का दो वायर है उसको भी डायरेक्ट लेके आना है। और डायरेक्ट क्यों लेके आना है आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर बाय द वे अपने को पावर सप्लाई लगाना है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर स्ट्रिप लगा
नहीं तो रोप लाइट लगा तो उसका जो पॉइंट है अपने को पूरा माइनस प्लस चाहिए, ताकि अपने को ड्राइवर को ऊपर में रखना नहीं है, अपने को बोर्ड के पास ड्राइवर रखना है, ताकि कभी रिपेयरिंग करना है ना तो यहाँ पर बोर्ड को खोलें और ड्राइवर को निकाल के रिपेयरिंग कर सकें। तो इस कारण अपने को दो वायर लेके आना डायरेक्ट, कहीं भी ज्वाइंट नहीं करना। तो आपको समझ आएगा किस तरीके से यहाँ पर वायरिंग किया जाता है। और आपको बताते हैं अभी टीवी का हमारा पॉइंट कैसा काम करेगा। तो ये जो है सॉकेट बनाएंगे, देखिए यहाँ पर हम लोग दो वायर बना लिए, यहाँ पर अपने पास रेड कलर का वायर था तो इसको माइनस प्लस बनाए, ठीक है। और आपको बताते हैं यहाँ से अपने को उस बोर्ड तक लेके जाना है। तो ये देखिए हमारा प्लाई जो है पूरा खाली रहता है और ये आराम से हमारा पॉइंट आ जाएगा। तो पहले ही आपको पूरा प्लानिंग करना है, उसके हिसाब से आपको वायर डालना है, नहीं तो बहुत जगह पोला नहीं रहेगा तो ये हमारा बीच में सपोर्टेड रहता है प्लाई का, तो वहाँ से वायर नहीं आता, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर देखिए वायर यहाँ पर तो आसानी से पहुँच गया, उसके बाद अपने को लाइन केबल लेके आना है। तो हम लोग वायर छोटा पड़ रहा है तो हम इसको ले लेते हैं यूज पे, ऑफ कर दें। तो गाइस देखिए यहाँ पर केट सिक्स को भी लेके आना है, जो हमारा लाइन केबल है इंटरनेट का। तो ये देखिए ये अपने को इंटरनेट, टीवी, एक और फर्नीचर बन रहा है वहाँ पर। अपने को जो है रोप लाइट का प्लानिंग करना है। और देखिए कैसा प्लानिंग होता है, जब हमारा इलेक्ट्रिकल का पूरा काम होने के बाद जो है फर्नीचर का प्लानिंग किया जाता है, और उसके बाद देखिए इसका व्यवस्था कैसा करना है। सबसे बड़ा टॉपिक यह है हम लोग ऊपर से ला भी नहीं सकते, और ये दीवार को बिना झरी करे बिना बाहर हमारा पॉइंट नहीं बनने वाला। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा एक पॉइंट रखना है, तब जाके यहाँ पर रोप लाइट आएगा। तो कैसे करेंगे आपको बता दें, ये तो चलो आपको बताते हैं। यहाँ का एक और है अपने को पॉइंट डालना है, यहाँ पर रोप लाइट आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है अपने को, यहाँ से अपने को दो वायर पहुँचाना है। तो कैसे पहुँचाएंगे आप देख सकते हो, यहाँ पर ना जेक्शन लगा कुछ भी नहीं लगा है। तो हम लोग एक व्यवस्था करेंगे, आपको बताते हैं कैसे करना है। ये देखिए हमारा ग्राइंडर है और यहाँ पर हमारे को इतना दूर तक हल्का सा झरी करना है, झरी करना नहीं तो लेवल पे कुछ भी लगाना है। यहाँ से अपने को वायर चाहिए दो वायर, और यो पॉइंट से वहाँ से। तो देखते हैं कैसे करना है, मुकेश क्या करेगा तो बता। करना ये कुछ नहीं है, ये हमारा दो वायर है, ठीक है, माइनस प्लस रेड और ब्लैक 1 mm का, उस कोने पे रखेंगे। और ये साइड से हमारे पास जगह है छोटा छोटा, ठीक है, उस जगह से हम लोग लेके आएंगे और यहाँ से हम लोग झरी करके ये बोर्ड के अंदर लेके आएंगे। ये बन गया हमारा पॉइंट, अरे हो गए। तो गाइज इस तरीके से हादसा मैं बता दे रहा हूँ, इसमें जो हमारा बिना ढक्कन का बिल्कुल मत चलाना, क्योंकि ये मेरा ग्राइंडर नहीं है गाइज, बता दे रहा हूँ, ये टाइल वाले का ग्राइंडर है। तो इसको मैं खाली 2 मिनट के लिए यूज करने के लिए काम कर रहा हूँ। तो इसको हम लोग को कटिंग करना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक अपने को यहाँ से यहाँ तक कटिंग करना है। तो पहले हम लोग खोलते हैं, ऐसे सोच रहे थे तो बोर्ड पहले, तो गाइज बोर्ड हम लोग खोल लिए और कटिंग करते हैं। तो गाइज देखिए कैसा धूल उड़ रहा है, यहाँ पर हुआ है पनिंग, यहाँ पर पनिंग हुआ है और हम लोग काट पाए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से फर्नीचर है। तो ये हल्का सा यहाँ पर कटिंग करेंगे और इससे हमारा वायर आ जाएगा आराम से, और ये पॉइंट में जुड़ भी जाएगा। तो चलो कैसा करते हैं आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हम लोग न्यूट्रल जम्फर कर दिए, और ये एक पॉइंट जो हमारे पास स्विच बिल्कुल नहीं था, ठीक है, तो हम लोग सॉकेट के साइड में एक स्विच है उसको रखें, ये डायरेक्ट रख दिए UPS में, ये दे। तो ये हो गया हमारा काम, और ये इसमें एक दो काजू किला लगा लेते हैं और बोर्ड को पैक कर देते हैं, और ये फाइनली काम हो गया। बाद में हम लोग इसमें पॉइंट डालेंगे। तो जैसे कि आपको पता है यहाँ पर हम लोग टीवी यूनिट का किए हैं, वैसे इनको भी छोड़ देना, अभी हम लोग काम नहीं करेंगे, इसका पार्ट 2 बनाएंगे। उस समय आपको स्ट्रिप और LED लाइट कैसे लगाते हैं, प्रोफाइल लाइट कैसे लगाते हैं, उसके बारे में आपको दूसरे पार्ट में नेक्स्ट में मिलेगा, ठीक है। देखिए हम लोग माइनस प्लस ऊपर छोड़ दिए, और ये ही यहाँ का वायर जो है एक एक करके वायर को पहले डालेंगे, और वहाँ पर देखे गड्ढा कर दिए और उसको कटिंग करके यहाँ पर बोर्ड पे जम्फर कर देंगे, ठीक है। तो चलो मुकेश को करने दो, करने के बाद आपको समझाता हूँ कैसा किया है इसको। हमारा काम हो गया, और अपने को एक पॉइंट और बनाना है नीचे से ऊपर तक पहुँचाने के लिए सुविधा। तो ये तो ऐसे ही रहेगा, तो हम बाद में इसको प्लानिंग करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा बोर्ड का कटिंग हुआ, और नीचे में और कटिंग करना है 6 मॉडलर का। तो चलो, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि ये जो है हमारा एक बार में काम नहीं होने वाला, इसके लिए हम लोग को दोबारा आना पड़ेगा और ये इसको दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब लाइट आएगा तो हम इसका पार्ट
टू बनाएंगे, उसमें वायरिंग बताएंगे और इसको फिनिशिंग करके आपको बताएंगे कैसा वर्क होता है लाइट मंड लो और कैसा लगाया जाता है। तो गाइज वीडियो कैसा था कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छे लगे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे हमारे वीडियो का जो हम नया वीडियो अपलोड करेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।